Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata माता जी जनरल प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी वैष्णव के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आपने हमें आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमद् भागवतम का सेकंड कैंटो इतना मुख्य है, इसमें जो चैप्टर है पुरुष सूक्ति की पुष्टि, इसके बारे में बोलने के लिए दिया है। जो है तो नहीं हमारे अंदर इतना टैलेंट उसके बारे में बोलें, क्योंकि बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि भक्ति के बारे में बोला गया है। जो पहले हम खुद करें तो उसके बारे में बोलें, प्रेचिंग करना और उसके बारे में बोलना, उसके लिए अथॉरिटी ज़्यादा होती है जो परफेक्ट होता है। पर हम तो परफेक्ट है नहीं, पर आदेश है आप जैसे वैष्णव का तो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परफेक्ट भी बड़ा है। जैसा कि माता जी ने बोला था कि अगर परफेक्ट बड़ा है तो उसको ज़रा ज़्यादा लंबे ना पढ़ें, पर कोशिश करेंगे इसको छोटे में करके बोलने का समय को बचाने के लिए। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखम खात अमृतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भुविभाविका नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीर ए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानं जनं शलाकया चस्फुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुसुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथविन्दं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान चिंतान हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। आज सेकंड कैंटो का फिफ्थ सिक्स्थ चैप्टर
चैप्टर का नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। इसके पहले आप लोगों ने 34 श्लोक का कल किया, जिसका निष्कर्ष था कि भगवान जो भक्त मतलब आत्मा हृदय, भगवान की भक्ति जो प्रेम से ही भगवान को समझा जा सकता है। फिर अगेन इस श्लोक में ब्रह्मा जी अपनी बात बता रहे हैं कि सा अहम समान्याय मया तपो मया प्रजापति नाम अभिवंता पति आस्थाय योगम निगुणम समाहिता स्तम नागथम यतः आत्म संभव। ट्रांसलेशन में शिला प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। शिला प्रभुपाद जी की जय हो। प्रभुपाद जी समझाने की कोशिश करते हैं ब्रह्मा जी के वाणी को कि जो ब्रह्मा जी वैदिक ज्ञान के शिष्य परंपरा में दक्ष हैं, महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हैं, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम हैं। मतलब ये ट्रांसलेशन हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो ब्रह्मा जी सभी सृष्टि को रचयिता है, जो वेदों को बताते हैं, जो सार हमसे जो कहते हैं हृदय ब्रह्मा आदि कवि, जो भगवान के हृदय को पढ़ लेने वाले ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी भी फेल हो गए भगवान को समझ पाने में। भगवान की जो माया की शक्ति है इतनी बड़ी है कि इसको समझने के लिए वेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी नहीं है कि वेदों का ज्ञान हो जाए और हम सब सारे जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, सार हैं, खूब रट लिया और रटने से फिर हमको उसका खूब अच्छे से कंठस्थ श्लोक हो गया, कंठस्थ वो सब करने से भगवान की भक्ति मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने भाषा में बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि भगवान को प्रेम से जीता जा सकता है, भगवान को भक्ति में सेवा के द्वारा जीता जा सकता है। उसके लिए करना क्या होगा, जैसे ब्रह्मा जी ने सब तपस्या करने के बाद भगवान को तब 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 मतलब विष्णु जी इनको अपने नाभि कमल से भगवान को पैदा ब्रह्मा जी को पैदा करी, ब्रह्मा जी खुद जो सारे वेद को लिख दिए हैं और सोच लिए कि हम भगवान श्री कृष्ण से हो नहीं सकते क्योंकि बाल गोपाल के साथ हो वृंदावन में जब वो खा रहे हैं मस्त में अपना सब, उनको लगा कि कैसे भगवान होते, किसी का जूठा कैसे खा सकते हैं कालों का, पर वो ये नहीं समझ पाए कि भगवान तो कहीं पर भी हो सकते हैं, भगवान हमारे अंदर परमात्मा के रूप में हैं, भगवान सामने वाले के। बस ये समझने के लिए प्रैक्टिकल हम लोगों को कैसे समझना है कि सिंपल से कोई भी जो हमारा आशय है, जो हमारे कार्य से भगवान के पास ले जाने का रास्ता है, उसको बहुत दृढ़ संकल्प भी करना। जैसे हमारे आचार्य हैं, जो हमारे शिष्य गोस्वामी हैं, जो हमें नित्य हम जो उनके अष्टकम पढ़ते हैं, हमारे चैतन्य महाप्रभु के अष्टकम पढ़ते हैं, ये हमें क्या मार्गदर्शन करते हैं, हमें ये मार्गदर्शन करते हैं कि पहले चेतो दर्पण मार्जनम, अपने अंदर का जो जो डस्ट है, जो मल है, उसको कैसे क्लीन करना है, नित्य कैसे करना है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। कितना सुंदर तरीके से बोला गया है कि अन्य कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अगर कुछ है तो हरि का नाम है, हरि का नाम है, हरि का नाम, बिन हरि के नाम के कुछ भी चीज कर लो संभव नहीं है। भगवान इस कलयुग में इस हरि के नाम पे इतना प्रकाश क्यों डाले, क्योंकि उनको पता था कि हम आज ये चीज सीखेंगे, आज ही पढ़ेंगे, शाम तक हम भूल जाएंगे, हमें याद नहीं रहेगा कि हमने क्या पढ़ा, इतना हम लोग का मतलब अल्प ज्ञान है, अल्प बुद्धि है, अल्प समय है, तो हम मजबूर हैं उस चीज़ से। तो ऐसा तो है नहीं कि हम जानबूझ करते हैं, हमारी बुद्धि ही ऐसी है, मति भ्रष्ट रहता है, मतलब हम 9 अपराध 10 अपराध रोज पढ़ते हैं जब करने के समय,
हर दिन, लेकिन आखिरी वाला पे ध्यान कि भौतिक इतना जप करने पे, इतना जप करने के बाद भी भौतिक आसक्त में रुचि रहती है। चलिए हमें मान लेते हैं कि भौतिक आसक्त में रुचि नहीं किया, अब हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, तो हमको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो हम पहले किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं चीटिंग करने की आदत तो रहती है कि नहीं, हमको प्राइड रहता है कि लोग हमारे रेस्पेक्ट करें। जबकि चैतन्य महाप्रभु कहते थे त्रिनादपि सुनी चेन तरुरपि सहे सुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जब भगवान स्वयं आके हमसे बता रहे हैं तो हम क्यों नहीं मान रहे, क्यों? क्योंकि हम मजबूर हैं इस कलयुग में, इस पर्यावरण में। अगर हम अच्छा कर्म किए होते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति किए होते, तो हम इस दुखालय में आए ही नहीं होते। चलिए अब आ गए तो कुछ तो अच्छा किए थे, जो हम आप जैसे वैष्णव के संपर्क में हैं, श्रीला गुरुदेव जयपताका स्वामी महाराज से ज्ञान प्राप्त करके, श्रीला प्रभुपाद जी जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मार्ग, मतलब सब कष्ट उठा के, इतना उन्होंने कष्ट उठाया इस भागवतम को लिखने के लिए, भगवद्गीता सारी चीज़ों को बताने के लिए, कैसे वैष्णव को एक कल्चर होना चाहिए। मतलब हम सनातनी धर्म है, हम तो भारत भूमि के जन्मे हैं, जहाँ पे कण कण में भगवान की पूजा होती है, किसी भी रूप में लोग भगवान को मानने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं कि उसको अस्वीकार कर दे कि नहीं भगवान है, पर हाँ भात भात के विभिन्न प्रकार के भगवान हैं। वहाँ पे कन्फ्यूजन जरूर है लोगों को, लेकिन सबका एक ही ध्येय होता है कि लोग पूजा पाठ तो करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि करने को तो ब्रह्मा जी ने भी किया तपस्या, ब्रह्मा जी ने बहुत ज्ञान भी अर्जित कर लिया, पर वो भी असफल रहे, तो हमें क्या करना है? ये प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग के रास्ते पे निरंतर चलना है। भक्ति मार्ग देखने में बहुत ही बड़ा लगता है कि हम कैसे करें, कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ भगवद्गीता के श्लोक बोलते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती समा सर्वेश भूतेशु मद भक्ति लभते पराम भक्त्या मा विजानन्ति यावान अस्मि ततः ततो मा ततो ज्ञातः विशते तदन अंतरम। भगवान के जो भक्त होते हैं, जिनके अंदर एक भक्ति की क्रिया होती है, वो अपने आप में ये उतने प्रसन्न रहते हैं कि उनके अंदर उत्कंठा छिप रहती है भगवान की सेवा करने की, कि क्या करें कि भगवान की सेवा मिल जाए। तो ये फोर्सफुली नहीं होता है, ये प्रैक्टिस अभ्यास से होता है, निरंतर भक्तों के संग सत्संग, जैसे आप सब नियमित, मतलब तो इतने इतने बड़े लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, सबका इतना सुंदर एक कार्य है कि ऐसे कार्यक्रम आयोजन नियम से करते, इतने व्यस्त लाइफ में लिमिटेड 25 मिनट का समय होता है, 1 घंटे का समय होता है, लेकिन हर किसी कोशिश होती है कि हम जुड़ें, क्योंकि उन्हें वो रस मिल गया है, वो भक्ति का रस का टेस्ट ले लिया है, कि उनको एक कोशिश होती है कि भागवत कंडक्टर, क्योंकि श्रीमद भागवत कि एक एक श्लोक में एक एक शब्द में भगवान विराजमान है, और भगवान की ग्लोरिफिकेशन के बारे में बात होती है, तो भक्त को सुनने में बहुत आनंद आता है, इसलिए वो प्रोग्राम आयोजन करते हैं, खुद अटेंड करने आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्तिमय सेवा का स्वाद ले लिया, उनके अंदर वो भाव आ गया है। वो भाव कैसे आया? एक दिन से नहीं आया, वो अभ्यास से आया, आचार्यों के द्वारा परंपरा के अनुसार पालन किया, फिर उन्होंने गुरु को चुना, गुरु ने जो आदेश दिया कि इस नियम का पालन करना, 4 नियम का शुद्ध तरीके से पालन करना है, नाम जप करना, कम से कम 16 माला तो करना है, 16 राउंड तो होना ही होना चाहिए, हमें कैसे मंगला आरती करना, हमें कैसे डेटीज की सेवा करनी है, हमें कैसे एकादशी का उपवास करना है, संध्या आरती कैसे, भगवान को कैसे विश्राम कराना, भगवान को कैसे भोग लगाना। तो ये जो अभ्यास में जब धीरे धीरे धीरे, तो फिर अटैचमेंट हो जाता है, जैसे अपनी चीज़ों से प्रेम होता है, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारा बेटा है, तो हमें कोई आगे कहे कि नहीं आप हमको प्यार करो, हमें खुद ब खुद उससे अपनी चीज़ से प्रेम रहेगा, अपने पति से प्रेम रहेगा। 1,00,000 लोग बुराई आके करें, लेकिन लगेगा नहीं भैया मेरा पति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा उससे रिश्ता है, यही रिश्ता इनसे करना है, भगवान श्री कृष्ण जी से, श्रीमती राधा रानी से, श्री श्री गौर निताय श्री श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा माई बलदेव जी से, कि हे सुप्रीम गॉड, हे भगवान, जो आप 3 लोक के नाथ जगन्नाथ जी हैं, जो सबके पालन करते हैं,
बस हमारे ऊपर इतनी ही कृपा कर दे कि हम आपकी भक्ति में लिपटे रहें। हमारा मन, हमारी परिस्थिति, हमारा समय, सब कुछ आप में लगे और आप ही सब करें, क्योंकि हम तो असमर्थ हैं। हम आज सोचेंगे नहीं कि आज हम 4 बजे उठ के, 4:15 बजे उठ के नहा के 4:15 बजे हम सोचे 16 माला कर लें, फिर मंगला कर लें, सभी कर लें, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता, ये करो तो ये रह जाता, वो करो तो रह जाता। पर भगवान, अगर आप आशीर्वाद दें, आप अपनी कृपा दें, वो काम इतनी आसानी से हो जाता है कि हमें भी ताज्जुब होता है कि अरे हमें कैसे एक चीज कर लिए, कैसे हम निर्जला व्रत कर लिए, कैसे हम गौर पूर्णिमा मना लेते हैं, कैसे हम जन्माष्टमी मना लेते हैं, कैसे नरसिंह चतुर्दशी मना लेते हैं, कैसे हम निर्जला एकादशी कर लेते हैं। क्यों कैसे कर लेते हैं? क्योंकि भगवान की कृपा से सब संभव है। तो जब हमें इतना ज्ञान हो गया है कि भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं होने वाला, तो हमें वही लाइन पकड़ के हमें रखना है। इसके पहले वाले ट्रांसलेशन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि भगवान के चरण लोटस कमल को पकड़ के रखा है, जिससे कि उनका मन स्थिर है और वो निरंतर अग्रसर हो रहे हैं भगवान की भक्ति के। फिर यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि अपने बारे में उन्होंने उदाहरण दिया कि हमको सब कुछ ज्ञान था, फिर भी हम असमर्थ थे। अब हम लोग को ये सीखने वाली बात है, जब ब्रह्मा जी ऐसा बोल सकते हैं तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं उस वहाँ पे खड़े होने का। पर इतना तो है कि हम कुछ तो किए होंगे, तभी तो हमें पढ़ने के लिए बैठे हैं कि साक्षात भगवान के सानिध्य करने के लिए। साक्षात भगवान का सानिध्य तभी हो सकता है जब हम अपने गुरु के शरण में रहें, गुरु के बताए हुए हर एक मार्गदर्शन का पालन करें। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे अलग अलग गुरु से दीक्षित हैं, पर हमारे गुरु जी, गुरु महाराज की बात करें तो आप लोगों ने सबको पता होगा कि हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करने से पहले उस कार्य को करने के लिए प्रेरित रहते थे। मतलब वो अपने शरीर का अभी भी रहते थे क्या, मतलब शरीर में इतने संकट है, कष्ट है, लेकिन वो कष्ट को कष्ट नहीं मानते, वो लीला मानते, वो लीला रचाते हम लोगों को देखने के लिए, समझने के लिए। तो देखने में लगता है कि वो मनुष्य हैं, मतलब दो हाथ पैर जैसे हम सभी वैसे हैं, पर गुरु महाराज तो साधारण है नहीं। गुरु महाराज तो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं। क्यों हैं? क्योंकि भगवान से कनेक्टेड हैं, अपने गुरु से कनेक्टेड। तो जब हम अपने गुरु के शरण में हैं, गुरु के द्वारा दीक्षित हैं, गुरु हमें चीज़ बता रहे हैं कि भगवान सुप्रीम है, भगवान की भक्ति करो, निरंतर गौरांग महाप्रभु की पराकाष्ठा रूप में चैतन भागवत चैतन चैतामृत की कथा कहते रहते हैं, कहीं पे हैं विश्व में, कहीं पर हूँ, ट्रीटमेंट करवाने जा रहा हूँ, प्रीचिंग करने जा रहे हूँ, कहीं मंदिर इनॉग्रेशन मायापुर में, मतलब उनका कार्य नहीं रुकता है। क्यों? वो भी चाहे रेस्ट कर सकते हैं, उनको क्या जरूरत, उनको तो खुद इतना ज्ञान है, तो इतने बड़े मतलब उतने तो आत्मसात कर लिया है। तद्विधि पड़ी प्रातेन परि प्रश्न सेवे चिंतित ज्ञानम ज्ञानम तत्व दर्शनम, वो तो भगवान का तत्व तो दर्शन करके बैठे हुए हैं। वो हमारे लिए मार्गदर्शन करने के निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, अपने गुरु कर रहे हैं, तो हम लोग को भी वही करना है और बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से करना है। उसके लिए भक्तों के संग में रहना है, बड़े बड़े वैष्णव से, आचार्यों के संपर्क से उनको सीखना है, उनसे समझना है कि कैसे भगवान की सेवा किया जाए। हम दामोदर दास यात्रा में प्रोग्राम में जब जाते हैं, वहाँ देखते हैं 11 से लेकर के 2:30 बजे का, 3:30 बजे के प्रोग्राम में कितनी चीज़ें होती हैं। भक्त लोग भगवान कितना सुंदर अभिषेक करते हैं, इतना अच्छा कीर्तन होता है, इतना अच्छा भागवत कथा होता, मतलब कंबाइंड 3-4 घंटे में सब कुछ दे दिया जाता है, इतना इजी तो है नहीं। पर हाँ, वो भक्त भगवान पे समर्पित हैं, अपने वैष्णव सीनियर वैष्णव के आदेश का पालन करने में दृढ़ संकल्पित हैं, वो इतनी आसानी से उस चीज को कर लेते हैं, वो सब चीज़ प्रेरित करती है। तो जब हम ऐसी जगह जाएंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी, जब हम जाएंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, अब घर में इंडिविजुअल भक्ति कर लेंगे, नहीं हम तो 16 हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दे दी, 16 माला करें, अपना सब करें, लेकिन हमारे अंदर सेवा की भावना जब तक नहीं होगी, तब तक हम नहीं
सफल हो पाएंगे। वैष्णव की सेवा जो फिजिकल मेंटल दोनों होना बहुत जरूरी है। वैष्णव की सेवा करने से वो फ्री में भक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे मुक्ति के बारे में इस पर बताया कि 5 प्रकार की मुक्ति है, तो इसमें जो साहज मुक्ति की बात है कि जो भगवान से अस्तित्व शरीर में लीन होता है ऑटोमेटिक वो मुक्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो भक्ति करता है वो तो ऑलरेडी मुक्त है, उससे मुक्ति की अभिलाषा नहीं रहती है कि वो मुक्ति मांगे भगवान से, उत्सुक रहता है भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान जहाँ हमें नरक में ले जाना चाहे ले जाए, पर हमारे जो सेंस है कृष्णा कॉन्शियस पे हमारे अनुभूत हमारे मन में हमेशा निरंतर चलता रहे, ये भक्त की परिभाषा है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को बताने की जरूरत नहीं, ब्रह्मा जी ऑलरेडी देवता है, ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को जाना है। हमारे लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी माया फंस गए तो हम कौन हैं। तो हमें भक्ति मार्ग पे निरंतर चलना है, भक्ति मार्ग पे चलने के लिए हमें अभ्यास में रहना है। हम कितने भी पुराने अभ्यासी क्यों ना हो, जब हमें कहने 16 मार न जाने कितने साल से कर रहे हैं, पर वो सोचो रोज का रोज 16 माला में कितना समय हमारा मन वो 16 माला सुनने में लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो निरंतर जप रहे हैं कितना बार हम सुन रहे हैं। ये जो नेक्टर है ये करते 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 उसका रस मिलता है। श्री राधा गोविंद गोसाई महाराज जी से किसी ने कहा कि महाराज जी जब हम माला करते हैं तो हमारा माला में मन नहीं लगता। महाराज जी कहते बड़ी ताजुब की बात है कि माला में कैसे नहीं मन लगता, इतना सुंदर है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु चल के आए इस महामंत्र को देने के लिए, जो सर्व सिद्ध है, जो स्वयं भगवान हैं, उनको जप रहे हैं सुन रहे हैं, तो कैसे रस नहीं आ रहा। इसका मतलब उस जप में कहीं ना कहीं अपराध है। जिस अपराध की व्याख्या की जा रही है बार बार बोला जा रहा है, तो उस अपराध से बचना है। तो हम लोग सब लोग को अपराध से पहले बचना, जो 10 ऑफेंस है उससे निरंतर मन में रखना कि हमसे ये अपराध ना हो। और ये फोर्सफुली नहीं, आत्मा के साथ फोर्सफुली नहीं, हमको तो बस करना है बस बाय हुक बाय क्रूक, वो तो आर्टिफिशियल होता है। लेकिन जब रिश्ता बन जाता है, जैसे बताया कि पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, वो स्वयं का रिश्ता भगवान से जब रिश्ता हो जाए तो हमें करना ही है ऑटोमेटिक। हम सब कर लें और भगवान को ही भूल जाएं तो क्या फायदा, भगवान को ही सेंटर ना रखें तो क्या फायदा। जैसे कि खाना बनाएं, एक बहुत अच्छी सब्जी बनाने की सेवा है, सब मसाले डाला, विभिन्न प्रकार के मसाले, खूब सब्जियाँ, खूब अच्छे से मसाले को धीमे आंच पे भूना, खूब अच्छा सा। लेकिन जब हम नमक ही नहीं डाले तो सब सब्जी में स्वाद किसी प्रकार का नहीं रहेगा। वैसे सब विधान कर ले, भगवान कोई प्रत्यक्ष ना रखे, सेंटर ना रखे, तो सब बेकार है। जीवन का मतलब ही नहीं है। भगवान ने भेजा ही है मनुष्य का शरीर, सबसे सुंदर मनुष्य का रूप दे करके कि आप गए हो दुनिया में, और मनुष्य का शरीर आपने पिछले शरीर में कुछ तो मिस किया जो आज यहाँ पे धरातल पे आना पड़ा, पर कुछ अच्छा किया कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, शीला प्रभुपाद जी के परिवार के सदस्य बने। तो शीला प्रभुपाद जी के परिवार के एक एक सदस्य का क्या पद बनता है, सबसे पहला प्रीचिंग। प्रभुपाद जी प्रीचिंग को लेके इतना किया, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला व्यक्ति प्रभुपाद जी का ज्यादा प्रिय होता था कि बैठ के माला करे, मंगला आरती उसका मिस हो जाए, माला मिस हो जाए, कोई बात नहीं, बुक तो दे के आया। मतलब ये सोचिए, कभी आप एवरीडे लेक्चर सुनिए प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कीर्तन, संकीर्तन, नगर संकीर्तन, ये प्रीचिंग को कितना इम्पोर्टेंट है। उनको पता था कि जब तक हम निकलेंगे नहीं, कष्ट नहीं उठाएंगे शरीर से और बाहर जाके नहीं बताएंगे, तब तक हमारा खुद का भी कल्याण नहीं होगा। और खुद को कल्याण के लिए पहले उस बुक को प्रीचिंग करने से पहले इस बुक को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा गुरु के आश्रम में रह करके। तो ये हमारे हमको जो आज सेवा दी गई कि आपको एक श्लोक कहना है, पहली बात तो हम जो 3-4 बार पढ़े इस पर को, और ये अच्छा है, बहुत सुंदर, आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हम नहीं पढ़े, पढ़ा था तो समय के अभाव में, पर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे ब्रह्मा जी ट्रांसलेशन बता रहे हैं कि सब कुछ जानने वाले वेदांत के रचयिता सब कुछ, लेकिन फिर भी वो माया में फंस गए।
तो हम लोग कैसे नहीं फंसेंगे, हम भी फंस जाएंगे। हमको भी अलर्ट रहना है, एवरी टाइम अलर्ट रहना है कि हमको कहीं माया कैप्चर ना करे, क्योंकि माया को भी अधिकार दिया है भगवान ने कि कहीं पे हमें भूले तुम हमको पकड़ो। तो माया कैसा स्वरूप लेती है, माया स्वरूप लेती है आलस्य का स्वरूप। कभी कभी लगता है आज नहीं उठते, आप क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नहीं उठेंगे तो क्या दिक्कत, नहीं क्यों नहीं उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे, खाना खाने के लिए तुमको समय निकल जाता है, उठे उसे समय उठे, जो समय बोला गया है मंगल आरती के लिए, जो समय कहा गया जब करने के लिए करिए, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों बोला गया, उसका एक मीनिंग है कि जितना बार हम मन से बोलेंगे सुनेंगे सतोगुणी माइंड रहता है ना, उस समय सब तमोगुणी रजोगुणी सो रहे होते हैं, माइंड भगवान से कनेक्टेड होता है, भगवान को पसंद भी है उस समय कोई हमारे नाम के लिए खुश भी होते हैं, भगवान को लगता है सबसे पहले हमारा दर्शन कौन करने आया, हमको अगले मतलब इतना अगला कदम बढ़ाना है कि सबसे पहले हम बन जाए इनको देखने वाले, वो फर्स्ट आने वाला, ना कि 9th, 10th और 12th बोर्ड में टॉप करके क्या फायदा उस टॉप करने से, जो भगवान से प्रेम ना सिखाए, और क्या फायदा उतने व्यंजन बनाने जो भगवान को भोग ना लगे, क्या फायदा उतना सुंदर गीत गाने से जो भगवान की कीर्तन ना गाते, क्या क्या फायदा इतने सुंदर श्रृंगार करने से जो भगवान के श्रृंगार करने में रुचि ना दिखाता। तो ये सब चीजें प्रभुपाद जी ने सिखाई है, और प्रभुपाद जी का वेरा जो था जो लिए थे कि नहीं हमें करना, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को आदेश का पालन किया। कुल सार ये है इस श्लोक का कि जो भगवान के जो एकदम क्लोज, ब्रह्मा जी भी जब इस चीज से भ्रम में आ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो हमें एक सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसा होने में। हमें निरंतर भक्ति मार्ग के रास्ते पे चलना है। भक्ति सबसे सुलभ है, सबसे सुलभ सबसे इजी है, बशर्ते वो अपने आज्ञा, अपने गुरु का जो आज्ञा का पालन दृढ़ संकल्प के साथ करें। अगर नहीं किया वो भक्ति विमुख हो जाएगी, वो भक्ति विमुख हो जाएगी, फिर सब चीज़ें बाहर की चीज़ें बहुत अच्छी लगने लग जाएगी, तो एक सेकंड भी नहीं लगे दिमाग में आने के नहीं नहीं यार पहले की लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, अच्छा सोते थे 8-9 बजे तक, तो ये तो इस्कॉन वाले सोने नहीं देते, लेकिन सोचो तो कितना समय निकल गया। पहले की फोटो अपने देखो, अभी के फोटो में देखो तो फर्क आ गया, पता है चेहरे की होलियाँ ही बदल गई इतने समय में, हमने कितने कर्म किए, कितने पास भगवान के पास लिख के जा रहे हैं, तो एटलीस्ट भगवान इतना तो कह रहे हैं ना, सर्वधर्मान पर तेजो माम एकम शरणं व्रज, आओ हमारे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर दूंगा, भगवान गारंटी ले रहे हैं। और कुंती उससे ऐलान करते हैं कि मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे भक्त का कभी सर्वनाश नहीं होता। जब सब कुछ पता है तो हमें यहाँ पे दृढ़ संकल्पित होना है और एक दूसरे के संग में रहना है, एक दूसरे की सहायता करनी है और प्रार्थना भी करना है प्रतिदिन कि हे गुरुदेव, हे श्री प्रभुपाद जी, हमारे हृदय में इतना करुणा भर दीजिए, कभी किसी के लिए गलत ना सोचें, ना गलत हमारे मन में आए, हमारे आचरण को ऐसा बनाइए कि हम खुद ही उस आचरण से आपको देख सकें, आपकी सेवा कर सकें, किसी प्रकार का कोई वैष्णव अपराध ना करें, क्योंकि वैष्णव अपराध ही ऐसा है जो भगवान से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वैष्णव से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। साक्षात उदाहरण अभी आपने कुछ समय पहले नरसिंह चतुर्दशी को देखा होगा कि भगवान भक्त के आगे बिक जाते हैं, भगवान बिक गए, भगवान जो श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं, गौर सुंदर इतने सुंदर हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह अवतार ले लिए, नर और सिंह बन गए, इतना विकराल रूप, जो इतने सौम्य उनकी स्वामिनी उनकी सुंदर पत्नी उनसे भयभीत हो जाए। भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, ये मतलब प्रहलाद महाराज ये साक्षात उदाहरण है कि भक्ति के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति कहीं पर भी भगवान को प्रकट कर सकता है, कहीं पर भी। वो आप सबके साथ ये प्रत्यक्ष अनुभव होगा, क्योंकि आप खुद भगवान की सेवा में है, निरंतर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम,
इतना बड़ा इस खजाना सबके हाथ में लगा है जो निरंतर जप रहा है, तो निश्चित भगवान को हर जगह महसूस कर रहा है। भगवान कोई देखने की चीज थोड़ी ना है, भगवान अनुभव करने की। भगवान तो देखने के लिए दिव्य दृष्टि सब कुछ नहीं मिलती, खाली आप निरंतर अपने हाथों से सेवा कीजिए अपने प्रभु के चरणों की। इसलिए कहा जाता है ना, भगवान के दर्शन चरण से करना चाहिए, चरण से उनके श्रृंगार, उनके मुखार बिंद। तो ये एक एक क्रम बाय क्रम क्यों बनाएगा, क्योंकि हम जो है असमर्थ हैं कोई चीज डायरेक्ट देखने। हमारे गुरु परंपरा के आदेश से हमें आरती करने को बोला गया, गुरु की को दिखाइए फिर आरती कीजिए। तो बस हम इतना ही कहेंगे, समय आप लोग का नहीं लेंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, कि जो आज का श्लोक 35 सेकंड कैंटो का 6 चैप्टर का 35 श्लोक है, जिसको आप लोगों ने भी सुना और प्रॉपर ट्रांसलेशन, ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी कि भक्ति मार्ग के रास्ते में हमें दृढ़ संकल्प के साथ बिना हिले बिना डगमगाए निरंतर चलते रहना है। ना हमें किसी चीज़ की व्यर्थ की आशा रखनी है कि हमको ये मिले हमको वो मिले, क्योंकि जिसने भक्ति का मार्ग पकड़ लिया वो तो भगवान को प्राप्त कर लिया, और जब भगवान ही मिल गए तो और कुछ पाने की अभिलाषा ही नहीं बचेगी। तो हम यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास माता जी, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे और लोग को बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। तो इसमें मतलब मैं खाली एक ये ऐड करना चाह रहा था कि जैसे अगर पिछला श्लोक देखें तो बोलते हैं कि मैंने भगवान के चरण पकड़े हैं, इसके लिए मेरी कोई बात बतला नहीं सकता, ट्रूथफुल। और आज के श्लोक का बोल रहे हैं तो मैं उनसे उत्पन्न हूँ, मेरे स्तोत्र हैं, फिर भी मैं उनको नहीं समझ सकता जी। तो इससे हम लोग को समझना है कि कैसे इवन ब्रह्मा जी जो जिनका इतना बुद्धिमान है, उनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है, वो भी जब भगवान को नहीं समझ सकते तो हमारी क्या दिशा है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भगवान को हमको समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग को भरसक प्रयास करना चाहिए, जितना हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे अपनी अल्प बुद्धि से उतना हमारा श्रद्धा बढ़ेगा। लेकिन ब्रह्मा जी का ये स्टेटमेंट जो है वो ये दर्शाता है कि कितना भी मतलब जो है बुद्धि लगा लो, हम उनको ग्रहण नहीं कर पाएंगे पूर्ण तरह से। बस क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वो अनंत है, हम कभी उनको पार नहीं पा पाएंगे हम लोग। तो ये एक मैसेज लेना चाहिए इसमें से कि ब्रह्मा जी जैसे इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति भी जो है, इतने बड़े जो सृष्टि करता है आत्मा, इतनी बुद्धि है भगवान के करने में, वो उनकी सहायता नहीं सेवा, उनकी सेवा करते हैं, तो वो भी जब नहीं समझ पाते काम लोग क्या, और फिर भी ब्रह्मा जी जो अपनी सेवा बहुत अच्छे से करते रहते हैं। और जो सेवा का भी जो पॉइंट आपने ऐड किया, हम लोग को सेवा जो है भगवान का अच्छे भाव से करते रहना चाहिए। फिर आपने परम पूज्य जयप्रदा महाराज जी का भी उदाहरण दिया, हम लोग देख रहे हैं कि महाराज जी आज किस मटेरियली अगर कोई देखे तो लगेगा अरे क्या हालत है, लेकिन फिर भी महाराज उस अवस्था में भी महाराज कितना सेवा करते हैं, कितना प्रचार कर रहे हैं और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग, ऐसा जो है एक सेवा का मूड जो उनका समर्पण प्रभुपाद जी के प्रति है, अपने गुरु के प्रति है, वैसा हमारा समर्पण अपने गुरु के प्रति होना चाहिए, उनके आदेशों का पालन पूर्ण रूप से करना चाहिए हमें, और जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो यही एक चीज में ऐड करना चाह रहा था। और वैसे बहुत अच्छा लगा, वही चीज है कि सही बात है कि जो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो कौन समझ पाएगा, लेकिन हाँ भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है, भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं, जैसे अपने गुरु महाराज हैं, तो आपने भी बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
या जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय में क्या माम अभी जाना, जैसे भक्ति से समझ सकते हैं, लेकिन हमको ये समझना है ब्रह्मा जी इतने बड़े भक्त हैं वो भी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए, तो कभी कभी हम लोग गलत समय पड़ जाते हैं कि मैं भक्ति में आ गया हूँ, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, टोला माला कर रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ लिया, भक्ति शास्त्री कर लिया, तो अब मेरे को बहुत दिमाग आ गया, मैं समझ गया, तो वो गलत समय में नहीं पढ़ना चाहिए हम लोगों को, बस ये एक जो है मैसेज आज के श्लोक से लेना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर सुंदर आपने एग्जाम्पल, वो बच्चे वाला एग्जाम्पल भी दिया, जैसे प्रभुपाद जी का जो अलग अलग अपने ज्ञान दिया हमें, बहुत ही सुंदर क्लास था। मुझे इससे ही एक बात याद आ रही है कि मुझे किसी ने एक बार बोला था कि अरे आपके गुरु महाराज की तबीयत ऐसी रहती है तो क्यों इतना ट्रैवल करते हैं, तो मैंने बोला यही तो है, यही तो मतलब वैष्णव का मतलब जो जो सब महाराज की मतलब मुझे जिन्होंने जिसने बोला था वो हमारे गुरु महाराज की बात करते हैं, इसलिए जयपत का गुरु महाराज, बट मैंने तो मैंने उन्हें उन्हें ऐसे बोला, मैंने बोला यही है कि मतलब उनको जो अपने गुरु का जो आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो उनको प्रचार के हिसाब से वो क्योंकि ये अगर सब महाराज ऐसे सोचेंगे कि नहीं मेरी हेल्थ कभी ऐसी है तो मैं कहीं नहीं जाऊं, तो वो फिर किसी को ज्ञान मिलेगा ही नहीं। जैसे प्रभुपाद जी अगर ऐसा नहीं करते तो हमें भी भक्ति का पता नहीं चलता था, हमें भी नहीं पता चलता कृष्णा कौन है। तो मैंने फिर दिल में मैं सोच रही थी कि सिर्फ हमारे गुरु महाराज नहीं, कितने महाराजों की हेल्थ का आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की तबियत का जैसे मेरी आंखों के सामने मैंने देखा था, जब मैं गुजरात में टेंपल के उसमें गया, न्यू टेंपल ओपन हुआ था, तो वहां पे भी उनकी तबियत ऐसी थी, फिर भी वो ट्राई करे थे, प्रयास करे थे दिए को, दिया कितना हैवी होता है उसको पकड़ के आरती करने का, और धनवत का प्रयास करते थे थोड़ा बहुत ऐसे जितना वो कर सके, तो कितनी बड़ी बात है एज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से। तो मुझे ये बात याद आ गई जब हम लोग आपने गुरु महाराज का एग्जाम्पल दिया, तो माता जी थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर क्लास था, थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा एंड दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। पूरे ओवरऑल क्लास में ना मैंने ना आपकी वॉइस में ना वो एक भक्ति का जो एब्जॉर्प्शन है ना वो मैंने बहुत फील किया, कि आप भक्ति में इतना मीन्स क्या है ना कि डीपली आप डीपली इतना कृष्ण में आपका जो विश्वास आपकी श्रद्धा वो बार बार ना रियलाइज हो रही थी। तो माता जी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपका कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हमारे साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा माता जी। ये कह रहे हैं भक्ति कहाँ है माता जी, भक्ति बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ सब बनावटी है, पर हमारे गुरु महाराज का ही मार्गदर्शन है, गुरु महाराज और हमारे शिक्षा गुरु श्री हरिला प्रभु जी जो मायापुर में इस समय है, उनसे मैं निरंतर प्रेरित होती हूँ माता जी। वो एक चमत्कार के रूप में हमारे जीवन में आए और उन्होंने बाहर निकाला, तो जैसे शुरू में वो कहते थे ना कि हमारे घर दामोदर आरती के लिए आए, फिर वो चाहे कि माता जी आप माला कीजिए, हम कहने माँ प्रभु जी हम तो ओम नमः शिवाय जपते हैं और हम शिव जी के बहुत बड़े भक्त, पता नहीं क्यों पहले भक्त बहुत बताया करते थे बचपन में, लेकिन प्रभु जी ने कहा नहीं आप एक माला तो करो, तो वो माला एक माला से फिर बढ़ते बढ़ते फिर बहुत समय लग गया, एक से सीधे आठ हुआ था, आठ से फिर 16 हुआ, पर एक दो साल तो लग ही गया था उसको आने में क्रम में। और यूं कहें कि गुरु महाराज फिर सच्ची माता जी हमारी दूसरे शिक्षा गुरु, फिर ये सब वैष्णव का आशीर्वाद, और हमारा कुछ जो रियलाइजेशन कुछ पर्सनल सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे गुरु महाराज हैं वो निरंतर प्रेरित करते हैं और उनको ही देख के अपने आप को दिल तो हिल जाता है कलेजा कि अरे बाप रे बाप, हम इतना घंटा सोने में समय लगा दिए, हमारे गुरु महाराज तो सो भी नहीं पाते ठीक से, और अगर सो के बैठे मतलब बैठे हैं व्हील चेयर पे बैठे हैं तो वो कहीं और नहीं हमको जाने की जरूरत है, हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमको निरंतर निरंतर प्रेरित करते माते, जबकि हम हिंदी भाषी हैं हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, पर गुरु महाराज इतना प्यार से उस चीज को बोलते हैं, इतना उनके अंदर एफर्ट है, मतलब इतना वो ग्रेटनेस उनके अंदर भरा पड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, उनका निरंतर कथा आप सुनिए आपको लगेगा कि कितनी कोशिश इनकी एफर्ट रहती है, कि सोचिए वो पहले लोग कथा कहते थे तो लोग
सब लोग आ रहे हैं पर डॉक्टर नहीं आ रहे। आपने शायद सुना होगा लीला उनकी बायोग्राफी के बारे में कि वो सब लोग कथा सुनते लेकिन डॉक्टर इंटरेस्टेड नहीं होते थे। तो महाराज जी ने तबियत गड़बड़ कर दी, चलो डॉक्टर के साथ लीला रचाते हैं। डॉक्टर सेवा में आज डॉक्टर सरेंडर करने लगे, नर्स सरेंडर करने। आप एयरलाइन से ट्रेवल करते हैं, एवरेज एयरलाइन के स्टाफ एयर हॉस्टेस उनको दंडवत करती हैं, उनके इंजीनियर दंडवत करते हैं, उनके कैप्टन दंडवत करते हैं। तो हाँ, उनका एक एक स्वरूप ऐसा है कि जो भक्ति का प्रकाश फैलाते रहते चारों तरफ। और दिखता है कैसे कि एक व्हील चेयर पर चलने वाले एक सामान्य से व्यक्ति हैं, लेकिन बाप रे बाप उनका तेज ऐसा इतना कि मैं क्या बोलूँ माता जी। तो बस वो जो उनकी जो बातें हैं ना वो प्रेरित करती हैं, निरंतर निरंतर प्रेरित करती हैं। और जो अपने शरीर का जो कष्ट होता है, जो दर्द होता है ना, जैसे आपने कहा ना कुछ लग रहा है, वो दर्द वो डिसअपियर हो जाता है। ऐसा लगता है कुछ है नहीं। जो हमारे गुरु महाराज उनको तो देखो, बस तो चलते रहो चलते रहो। तो शायद कहते हैं ना प्रेयर करने को आता, आप सभी लोग रोज वैष्णव प्रेयर करते हैं ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है उनके लिए करो। तो हमारे गुरु महाराज जी तो रोज हम लोग को अवसर देते हैं, हमारे लिए एक माला करो, दो माला करो। अरे हम तो 16 माला के साथ 18 करें, मालो 24 करें, 25 करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे गुरु महाराज ठीक हो जाए, गुरु महाराज स्वस्थ रहे। तो गुरु महाराज एक अवसर दे रहे हैं हमको, और माला करो और माला करो। तो वो अंदर से आता है, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल फादर। ये एक रीजन है माता जी। वैसे तो रीजन बहुत होगा आसपास जो हम खुद ही नहीं सोच पाए होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है चैंटिंग माता जी। चैंटिंग जो होता है ना वो मैजिक है। आप सबके लाइफ में उसका अनुभव होगा कि आप फोर्सफुली अनियन गार्लिक नहीं छोड़ सकते, फोर्सफुली चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते, जो चिकन मटन फिश क्या क्या जो खाया जाता है नहीं फोर्सफुल कर सकते। पर वो माला करते 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 जो है ना वो टेस्ट चला जाता है व्यर्थ की चीज़ों का। सेवनो मुथे जीवा दो, जो श्लोक है ना कि जो जीवा है ना इसी जीवा से प्रसाद खाओ और इसी जीवा से नाम जपो और कीर्तन करो। ये करते 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 अपने आप होता, ऑटोमेटिक होता है। इसको कुछ आपको कुछ आर्टिफिशियली नहीं करना पड़ेगा, वो अभ्यास से होता है। आसपास आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो डेडिकेशन के साथ सेवा कर रहा है भगवान का, आप देखिए यात्रा में जाइए, प्रोग्राम में, नाम हत्ता में, जिस शहर में है वहाँ जाइए, क्योंकि प्रभुपाद जी कृपा से पूरे विश्व में मंदिर है। और उनका डेडिकेशन देखिए, अपने आप आएगा। अब आजकल तो कोरोना काल में ऑनलाइन सिस्टम इतना ज़्यादा कृपा हो गया कि अवेलेबल है, मतलब आप एक लेक्चर ख़त्म कर दूसरा लेक्चर आपको सुनाई देगा। पर उसको अपने आप धारण करना पड़ेगा, सुनने एक कान से सुन के इस कान नहीं करना कि दूसरे कान से निकालना, एक कान को बंद ही कर देना है और उसे अंदर आते जाना रहना चाहिए। जैसे महादेव हमारे हैं, कहते ना कि सृष्टि को विनाश करने वाले, अगर महादेव ना रहें तो कहते ना रजो तमो, मतलब एक गुड़ जो गुड़ क्रिएट होता है जो वो कौन डिस्ट्रॉय करेगा। हमारे महादेव इतने कृपालु हैं कि जो दुनिया में सबको अच्छा आइटम खाने चाहिए, महादेव बेचारे कच्चा दूध खाएंगे, बेलपत्र खाएंगे, चढ़ाया जाएगा धतू, चढ़ाया जाएगा भांग, चढ़ाया जाएगा उनको विष पिलाया जाएगा बेचारे को, सब लेते जाते हैं। उनको इतनी जल्दी रहती है उनको चैंटिंग करने की, उनको नाम लेने में इतनी आशुतोष, उनका इतने तो नाम है आनंद में आने वाली, तुरंत ओम नमः शिवाय बोलो और वो आनंद में आ जाते हैं, क्योंकि उनको खुद को चैंटिंग करना होता है, राम राम निरंतर नाम जपना होता है। तो आप ऐसे ही वैष्णव के संपर्क रहें, वैष्णव को चरणों में प्रणाम करते रहें, आपको भी ऐसे होगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है हमारे साथ, पर हमारे साथ ऐसा है नहीं माता जी, बहुत संघर्ष करना पड़ता है निरंतर हर एक दिन, पर उम्मीद जरूर है, उम्मीद जरूर है कि कभी ना कभी तो प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते में कुछ तो होगा जरूर, ये पक्का हमें उम्मीद है, कोशिश किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरी बोल हरी बोल हरी बोल माता जी। माता जी आपके गुरु के प्रति जो आपके मन में जो श्रद्धा विश्वास है ना, बस हमारे हमें भी ब्लेसिंग दीजिए कि थोड़ा बहुत हम में भी आ जाए, हम भी इस अपार श्रद्धा से जैसे आपके मन में भाव है वो हमारे मन में भी प्रकट हो जाए।
और गोपी मनोहर प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रभु जी माता जी का हर एवरी वीक एक लेक्चर माता जी को हमें सुनने को मिले माता जी को, तो बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी माता जी। हमें यही सिर्फ बोलना था, पहले तो माता जी को धन्यवाद प्रणाम और सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। साधु साधु माता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से इस श्लोक के बारे में समझा है माता जी। मैं क्विकली ये जो बहुत कुछ आपने बताया है, लेकिन जैसे अभी टाइम के ही चलते, ये जो आपने एक तो पहले बताया कि जैसे नमक का आपने उदाहरण दिया कि सब कुछ है और अगर यदि नमक ही नहीं है तो उसका क्या टेस्ट रह जाएगा। तो अगर हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण को मध्यस्थ नहीं रख के कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ रह जाएगा, वो क्या मतलब कैसा उसका ये रहेगा। वो बहुत अच्छा आपने समझा। और फिर अंत में आपने जैसे कहा कि कोई टॉपर भी है लेकिन वो भगवान का दर्शन करने के लिए वो लालायित नहीं, पहले नहीं पहुंचता है तो उसका क्या लाभ। यदि कोई ऐसा भोग भी बना रहा है, व्यंजन भी बना रहा है लेकिन वो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है तो क्या लाभ। कोई श्रृंगार करता है लेकिन भगवान का श्रृंगार नहीं करता तो क्या लाभ उसका। तो ये बहुत अच्छे प्रेरणा सूत्र आपने प्रातः में दिए माता जी, और आपने सेवा करने के लिए भी प्रेरणा दी और प्रचार करने के लिए भी प्रेरणा दी। धन्यवाद माता जी। साधु साधु, आपने बहुत अच्छा समझाया माता जी। ये ब्रह्मा जी का जो यहाँ वर्णन हो रहा है उसके उपलक्ष्य में एक मुझे एक स्मरण आ गया, वो मैं जल्दी शेयर कर देता हूँ। जैसे ये आठवें स्कंद में रुद्रासुर जी की कथा आती है, तो उसके पहले के पूर्व भूमिका में मतलब इंद्रदेव का जैसे वो बृहस्पति जी का वो मतलब सम्मान नहीं कर पाते तो उसके लिए उनका मतलब वहां से मतलब जो उनका जो है स्वर्ग और वो सब चला जाता है। और जब भी वे लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा हो गया है, सब ये बलि महाराज और दैत्यों ने सब पूरा ये कब्जा कर लिया है, अभी हमें क्या करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर उनको उत्तर देते। पहले तो सभी देवी देवताओं को फटकार लगाते हैं कि आपने, आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा गलती किया है कि आपने अपने गुरु महाराज की आपने अवज्ञा कर दी, उनका सही तरह से सम्मान नहीं किया। और ब्रह्मा जी तभी ये जो सेंटेंस बोलते हैं बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है, वो बता रहे थे कि ब्रह्मा जी ने इंद्रा देवी देवताओं को ये बताया कि अभी बलि महाराज के पास उनके गुरु शुक्राचार्य जी को प्रसन्न उन्होंने किया है, तो उनके गुरु महाराज की उनकी कृपा है और उनके गुरु महाराज की उनके ऊपर इतनी कृपा है कि वो यहाँ ब्रह्मलोक तक भी आके यहाँ पे वो शासन कर सकते हैं, ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं। वो श्रीमद् भागवतम में भी है, तो वो ब्रह्मा जी मतलब ऐसा बता रहे ब्रह्मा जी सबसे शक्तिशाली है। और जैसे ये श्लोक में भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इतना कुछ ऐसा है लेकिन मैं समर्थ नहीं हूँ ऐसा, तो यहाँ पे भी मतलब ब्रह्मा जी ये बता रहे कि जिन्होंने गुरु महाराज अपने गुरु वैष्णव सेवा की, उनकी प्रसन्नता उन्होंने प्राप्त की तो उसके बल से वे मतलब ब्रह्मलोक तक भी वे वहां तक जा सकते हैं, इतनी उनकी ये कृपा मिली है। तो यही एक शेयर करना था। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर प्रेरणा दी प्रातः में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। साधु साधु, आपको और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।